हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 14 जून शिफ्ट 1 लेवल 3 अभी तक का सबसे आसान शिफ्ट सीबीटी 2 में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान था, लेकिन बाकी शिफ्टों से आसान था, जिसके कारण अटेम्प्ट 100 प्लस तक हो गया है। कितना गलती है ये बाद में पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा, जब आंसर की आएगा तब। लेकिन अभी कह सकते हैं कि 100 प्लस अटेम्प्ट करना जो मुश्किल हो रहा था वो करने लगे लोग हैं, या निराशा से कर रहे हैं या क्वेश्चन इजी होने से। तो निराशा तो नहीं कह सकते क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया, एक ही लेवल में तीन तीन बार पेपर चार चार बार देने के बाद भी अगर कहें निराशा तो वो गलत बात होगी। बात तो यही है कि उनका एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पे, और कह सकते हैं जैसे कि कल ही हमने देखा था कि जीके और जीएस वाला प्रश्न थोड़ा ईजी हो गया था कंपेरेटिवली, जो लग रहा था कि हमने कभी कहीं देखा है पढ़ा है, इसलिए थोड़ा ईजी हो गया। दूसरा, सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा? और कुछ लोग कहेंगे क्वेश्चन पेपर की नहीं बात कर रहे हैं, तो मैं आपके रिक्वेस्ट पे क्वेश्चन पेपर बताना बंद कर दिया, अपडेट करना भी बंद कर दिया। लोग कहते हैं कि सब गलत है, तो चलिए जब व्यूअर को पसंद नहीं है तो हमें क्या करना, हमें तो उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करना है जो हमारे व्यूअर देख सके। और एक रिक्वेस्ट और भी है लोगों से कि चैनल अगर सब्सक्राइब किए हैं तो बेल बटन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि कल मैं अपना एनालिसिस चैनल का किया, उसमें मेरे चैनल पे 8.5% मात्र कैंडिडेट ऐसे हैं वीडियो देखते हैं जो नोटिफिकेशन के द्वारा देखते हैं, यानी 100 में से केवल 100 व्यू अगर चैनल पे होती है उसमें से 8 से 9 व्यू केवल हमारे सब्सक्राइबर डायरेक्ट रूप से देखते हैं। हालांकि YouTube पे देखते होंगे अलग बात है, लेकिन नोटिफिकेशन से बहुत कम देख रहे हैं। थोड़ा सा इसको बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि ये टेक्निकली सही नहीं है YouTube के एल्गोरिथम के हिसाब से और हमारे चैनल के प्रोग्रेस के हिसाब से, दोनों से सही नहीं है। कम से कम ये 20% होनी चाहिए सब्सक्राइबर का। चलिए उसके बाद आपकी मर्ज़ी, बाकी रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में मैं बता दूं थोड़ा। जैसा कि 10 लाख भर्ती 18 महीने में लाने के लिए पीओएमओ द्वारा बताया गया है, ऑफिशियल दिखाएंगे, लेकिन इसका रिजल्ट से भी रिलेशन है। रिजल्ट यह है कि गवर्नमेंट पे हमेशा ऐसा बोला जा रहा है कि ये गवर्नमेंट तो जॉब देता नहीं है, और 2019 की वैकेंसी अभी पूरा नहीं हुआ तो आगे का क्या भरोसा किया जाए। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने सीबीटी 2 का लेवल 6 और 4 का देखा होगा तो साइको का रिजल्ट आ गया है, उसी तरह आपका जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा आपका आंसर की बहुत जल्द से जल्द सीबीटी 2 के लिए केवल टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए आ जाएगा, जिससे आगे का रास्ता आसान हो जाए। यानी टाइपिंग टेस्ट और सीबीटी 80 साइको टेस्ट जिसको बोल सकते हैं, दोनों का एग्ज़ाम जल्द से जल्द होगा और दोनों का रिजल्ट उसी तरह से इसका भी जल्द से जल्द आएगा। यानी हो सकता है कि जून में आपको न्यूज़ मिल जाए कि 17 जून तक तो एग्ज़ाम ही है, 17 जून के बाद 5-7 दिन टाइम लगेगा सारा चीज़ें करने में, प्रोसेस में, जून में नोटिस आ जाए कि आपका आंसर की कब दिखेगा। हालांकि नोटिस आजकल एक दिन पहले भी देते हैं कि आंसर की आपका इतना इतना से होगा, 2 दिन भी पहले दे सकते हैं, ये तो रेलवे का अधिकार है, लेकिन जून में हमें लग सकता है कि आपके पास आंसर की के बारे में आ जाएगा। एकदम बिल्कुल पूरा मैं श्योर हूँ कि जून में आ सकता है, हालांकि एक्सपेक्टेड और प्रैक्टिकल में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी मेरा एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट आपका जून में आ जाएगा। अब 10 लाख भर्ती देने की रेलवे की बात कर रहा है 18 महीने में, उसमें से रेलवे कितना का होगा? इसमें सेंट्रल जॉब की बात हो रही है, टोटल सेंट्रल का पीएमओ के पास टोटल सेंट्रल जॉब में है। तो देखिए 10 लाख में तो रेलवे में ऑलरेडी पता है हमें कि 2.1 मिनट, रेलवे में ऑलरेडी 2 लाख से ज़्यादा पोस्ट अभी भी खाली है, लेकिन बस उस पोस्ट को भरना कैसे है, कब भरना है, ये गवर्नमेंट को डिसाइड ही करना है। एलपी के 25-30 हज़ार वैकेंसी है, ग्रुप डी की भी अभी 1 लाख प्लस के आसपास वैकेंसी है प्लस में, और एसएससी की वैकेंसी कभी बहुत दिनों से नहीं आई है, एनटीपीसी वाला भी वैकेंसी बढ़ा नहीं तो नए में ही जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी नया न्यू रिक्रूटमेंट में पूरा हो सकता है। तो इसको चलिए एक बार देखते हैं आगे यहाँ डिटेल में ट्विटर पे। तो यहाँ पे ट्विटर पे हम देखिए पीओएमओ इंडिया है, कोई ऑफिशियल है, कोई यहाँ पे नकली नहीं है, यहाँ पे कोई बनावटी नहीं है, जो हमने दिखाया है ऑफिशियल कोशिश करने की कोशिश किया है। तो देखिए आज ही का 5 आवर पहले ये ट्वीट हुआ है जिसमें बोला गया है कि स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इन मिनिस्ट्री रिक्रूटमेंट 10 लाख पीपल टू बी डन विद गवर्नमेंट मिशन मोड इन 1.5 ईयर, 1 साल 12 महीने की और आधा साल 6 महीने की, यानी 18 महीने में।
अब 18 महीने में तो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, ये हम सब लोग जानते हैं और सब लोग जानते हैं, लेकिन ये अंदाज कर सकते हैं कि 18 महीने में ये भर्ती आ भी जाए वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी है कि गवर्नमेंट का। लेकिन अगर ये आता है तो कह सकते हैं कि रेलवे का इसमें से 2 से 2.5 लाख तो रेलवे का होगा ही होगा भर्ती। लेकिन अभी देखिए इम्प्लीमेंटेशन और ग्राउंड पे आने में भी टाइम लग सकता है। तो चलिए 2-3 बधाइयाँ एक ही वीडियो में आपको मिल गया। पहला 100+ आपने अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन, दूसरा CBT 2 का रिजल्ट जल्दी से जल्दी आएगा टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। ओनली याद रखिएगा ओनली फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट, CBAT का आ चुका है उसी तरह से टाइपिंग टेस्ट का, और भर्ती हुआ तो नए कैंडिडेट जो हैं उनके लिए भी बढ़िया। थैंक यू, धन्यवाद।